सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, वो इंजन्स जो हमारे यूनिवर्स को चलाते हैं। आपको बता दूं, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स नहीं होंगे तो न मिल्की वे गैलेक्सी होगी, न ही सन, न अर्थ, न आप। वो यूनिवर्स में लगभग हर गैलेक्सी का सेंट्रल ड्राइविंग फोर्स है। वो हमारे यूनिवर्स का सबसे भयानक और अजीब पहलू था और उन्हें देखकर मुझे बहुत हैरानी होती है। अब एक नई मिस्ट्री सामने आई है जो सुपरमैसिव ब्लैक होल से जुड़ी है। हमें ये तो पता है कि अर्ली यूनिवर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स थे, लेकिन ये नहीं पता कि वो इतने कम समय में इतने बड़े कैसे हो गए। हमें उनके फॉर्मेशन की कुछ जानकारी है, पर क्या हम उनके तेजी से बढ़ने की मिस्ट्री को सुलझा पाएंगे? सत्रह में यूनिवर्स पर नजर रखने वाले साइंटिस्ट्स को कुछ ऐसा दिखा जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, एक विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल जो यूनिवर्स के शुरुआती दौर का था। वो बिग बैंग के करीब 69 करोड़ साल बाद बना था। उस वक्त यूनिवर्स की आज की एज के मुकाबले 5 या 6% रही होगी। प्राचीन यूनिवर्स में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का होना बच्चों के फुटबॉल मैच में किसी प्रोफेशनल प्लेयर के होने जैसा है। इतने बड़े ब्लैक होल को वहां पर होना ही नहीं चाहिए था। सुपर मैसिव ब्लैक होल सिर्फ वक्त से पहले ही नहीं बना था, बल्कि वो बहुत बड़ा था। उसका मैस हमारे सन का 80 करोड़ गुना था। बस कुछ ही करोड़ सालों में यूनिवर्स में करीब 1 अरब सन्स मटेरियल कोलैप्स होकर एक जायंट ब्लैक होल बन गया, और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ब्लैक होल्स को हमारे सन के मास यानी सोलर मैसेस में मेजर किया जाता है। रेगुलर या स्टेलर ब्लैक होल्स 100 सोलर मैसेस तक के होते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का मास 1 लाख से अरबों सन्स के बराबर होता है, और साइंटिस्ट्स को अर्ली यूनिवर्स में ऐसे लगभग 100 ब्लैक होल्स का पता चला है। हम ये देखकर हैरान थे कि बिग बैंग के बाद उनमें से एक भी कैसे मौजूद था। सच कहूं तो शुरुआत में हमें ये अजीब लगा, पर फिर हमें पता चला कि ऐसे ब्लैक होल्स बहुत बड़ी संख्या में हैं और वो यूनिवर्स की शुरुआत से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये कमाल की बात थी। ऐसा माना जा रहा है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स से यूनिवर्स के एवोल्यूशन और उसकी डेस्टिनी को जानने में मदद मिलेगी। एस्ट्रोनॉमर्स उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल के ओरिजिन और यूनिवर्स में इतनी जल्दी बन जाने के बारे में समझना एक ऐसी कामयाबी होगी जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। इतने कम समय में इतनी बड़ी चीज आखिर कैसे बन सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब पाने के लिए हमें छोटे लेवल से शुरुआत करनी होगी, ये समझकर कि रेगुलर स्टेलर ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। ब्लैक होल्स स्टार्स के कोलैप्स होने से बनते हैं, ये सबको पता है। अगर एक बड़ा स्टार हो और वो कोलैप्स कर रहा हो तो वो एक ब्लैक होल बनाएगा। एक बहुत बड़े स्टार की मौत एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में होती है, और अगर उसमें पर्याप्त मास है तो जो बचता है वो कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता है। स्टार जितना बड़ा था उतना ही बड़ा उससे बनने वाला ब्लैक होल होगा। क्या अर्ली यूनिवर्स के स्टार्स इतने बड़े थे कि कोलैप्स होकर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बना पाए? आप जानते हैं, अर्ली यूनिवर्स आज के यूनिवर्स से बहुत अलग हुआ करता था। वो पूरी तरह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ था। गैस बड़े बादलों में बदल गई जो अपनी ग्रेविटी से कोलैप्स होने लगे। न्यूक्लियर फ्यूजन ने उनके डेंस कोर्स को इग्नाइट किया और पहले स्टार्स का जन्म हुआ। अब हमें लगता है कि शुरुआती गैस के क्लाउड्स आज के यूनिवर्स के क्लाउड्स के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़े स्टार्स बनाते थे। हो सकता है कि उस वक्त बहुत बड़े जायंट स्टार्स थे और हम उन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहते हैं, और वो वाकई में बहुत बड़े थे। पॉपुलेशन 3 स्टार्स सबसे पुरानी कैटेगरी के स्टार्स हैं। डायनासोर की तरह
कभी वो बड़ी यूनिवर्स पर राज किया करते थे, पर अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वो बहुत अजीब स्टार्स थे, वो अल्ट्रा वायलेट थे, ब्राइट थे और आज के स्टार्स से बहुत अलग थे, पर क्योंकि वो इतने बड़े और ब्राइट थे इसलिए उनकी मौत भी जल्दी हो जाती थी। शुरुआती स्टार्स जल्दी मनते और खत्म हो जाते थे। वो सुपरनोवास में एक्सप्लोड होते और अपने पीछे ब्लैक होल्स छोड़ जाते, पर क्या वो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स थे? जब एक स्टार एक्सप्लोड होता है एक सुपरनोवा में, तब उसका ज्यादातर मास इजेक्ट हो जाता है, वो दूर चला जाता है, सिर्फ एक न्यूट्रॉन स्टार या एक ब्लैक होल पीछे रह जाता है, पर उसमें ज्यादा मास नहीं होता था क्योंकि वो सब एक्सप्लोजन में दूर जा चुका था। भले ही पॉपुलेशन 3 स्टार्स अर्ली यूनिवर्स में बहुत बड़े थे, पर वो इतने बड़े नहीं थे कि एक्सप्लोड होने पर अपने पीछे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल छोड़ सके। अगर हम सुपरनोवास को पूरी तरह से हटा दें, तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन को समझने का एक तरीका हो सकता है। क्या एक डाइंग स्टार का पूरा मास कोलैप्स होकर ब्लैक होल बना सकता है? इसका जवाब एक गैलेक्सी में मिल सकता है जिसका नाम है फायरवर्क्स गैलेक्सी। फायरवर्क्स गैलेक्सी का एक अजीब सा नाम है क्योंकि इसमें कई सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते हैं जो फायरवर्क्स जैसे लगते हैं, जो अपने आप में एक देखने लायक नजारा होता है। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स फायरवर्क्स गैलेक्सी के एक बहुत ब्राइट स्टार पर नजर रख रहे थे। ये स्टार बिल्कुल वैसा ही है जो एक्सप्लोड होकर सुपर